तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी का कमाल का एक यूजफुल फीचर बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कमाल का यूजफुल हिडन फीचर बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही कमाल का है। क्या है ये फीचर, कैसे यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल का एक हिडन फीचर जो कि बहुत ही यूजफुल है। मैं तो कहता हूँ हर बंदे को इसको इनेबल करके रखना चाहिए। वो फीचर क्या है दोस्तों? वो फीचर ये है कि आज की डेट में हर कोई बंदा हेडफोन यूज़ करता है। आप भी यूज़ करते होंगे, मैं भी यूज़ करता हूँ, और मतलब सब लोग करते ही होंगे। उसमें होता क्या है दोस्तों, ये जो फीचर है वो हेडफोन से रिलेटेड है। अगर आप अपने मोबाइल में हेडफोन यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये वाला फीचर आपके लिए काम का है। क्या है वो फीचर, वो बता दूँ आपको मैं। तो दोस्तों, वो फीचर ये है, अगर आप अपने मोबाइल में हेडफोन लगाने के बाद अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करते होंगे मैक्सिमम लेवल तक, तो आप देखते होंगे वहां पर आपको बताता है, कलर चेंज हो जाता है कि भैया आपने इसका जो मैक्सिमम लेवल तक आपने देख रहे हैं, जैसे नॉर्मल, अभी ये नॉर्मल पे है, अगर आप इसको ज़्यादा फोर्स करेंगे तो रेड हो गया, मतलब कि आपने जो इसको इतनी वॉल्यूम कर लिया है जो कि आपके ईयर्स के लिए, या फिर बोल सकते हैं आपके कान के लिए हार्मफुल हो सकता है इतना तेज आपको सुनना। तो ये फीचर इसलिए, आप वहां पर एक सिक्योरिटी लगा सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक लिमिट लगा सकते हैं कि मैक्सिमम लेवल के पार जाने के, मतलब एक लिमिट लेवल के पार जैसे ही वो बाहर जाए तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि भैया आपकी लिमिट अब ओवर हो गई है, आप इसको ज़्यादा कर रहे हैं। और साथ में वहां पर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं कि अगर आप उसको ज़्यादा करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ही आप उसकी लिमिट को तेज कर सकते हैं। तो ये फीचर मुझे तो लगता है बहुत काम का फीचर है। क्योंकि होता क्या है, हर आदमी सुनता है, हेडफोन तो लगाता है, बट क्या होता है उसके जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को फुल कर लेता है, जो कि उसके ईयर को डैमेज कर सकते हैं। और अगर कुछ वो एक्टिविटी कर रहा है तो वो अपना एक्टिविटी से ध्यान को भी हटा सकता है। तो मेरे हिसाब से इसको आपको यूज़ करना चाहिए। तो उसको यूज़ कैसे करें, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन पे। यहाँ जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा एक वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम पे जाना है। वॉल्यूम पे जाने के बाद अब आपको जाना है यहाँ पर थ्री डॉट पे, और ऊपर मिलेगा आपको मीडिया वॉल्यूम लिमिट, जो कि बहुत ही काम का फीचर है। यहाँ जाने के बाद बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, आपको इसको ऑन कर लेना है। इसका मेन फीचर का काम यही है, प्रोटेक्ट योर ईयर्स विद अ मीडिया लिमिट फ्रॉम हेडफोन एंड ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस। अगर आप हेडफोन नॉर्मल भी यूज़ कर रहे हैं या ब्लूटूथ डिवाइस से भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फीचर बहुत काम का है। ऑटोमेटिक ये लिमिट यहाँ पर सेट है कि इसके ऊपर जाएगा तो आपको बता देगा। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये जो भी बाय डिफॉल्ट है, आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये एक सफिशियंट होती है वॉल्यूम लिमिट। उसके बाद आप यहाँ से सेट वॉल्यूम लिमिट पिन भी कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर पिन डाल दिया, तो ये मैंने पिन डाल के यहाँ पर कंफर्म कर दिया। अब देखते हैं इसको यूज़ करके। मेरे पास यहाँ पर मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड है, या बोल सकते हैं हेडफोन मेरा कनेक्टेड है, और अगर अब मैं इसकी वॉल्यूम इंक्रीज करने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, या फिर बोल सकते हैं एरर आ जाएगा, वॉल्यूम लिमिट रीच्ड आपको दिख रहा होगा, वॉल्यूम लिमिट रीच्ड करके आपको दिख रहा होगा, और उसके नीचे पढ़ेंगे टू इंक्रीज द वॉल्यूम गो टू सेटिंग एंड टर्न ऑफ मीडिया लिमिट टू चेंज योर वॉल्यूम लिमिट। जैसे ही आप यहाँ सेटिंग पर क्लिक करेंगे, अब आपको लिमिट इंक्रीज करनी होगी, तो वो आपसे बोलेगा पहले कंफर्म पिन। आप जब पिन डालेंगे उसके बाद ही वो चेंज होगा। तो ये एक से कह सकते हैं प्रोटेक्टेड रहेगा। इससे आप जब तक पिन नहीं डालेंगे, जब तक वॉल्यूम तेज नहीं होगा, तो आप वहाँ पर अपने ईयर्स को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत ही कमाल का, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको भी लगता है कि ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू, और ऐसी इंटरेस्टिंग टेक के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो टिप्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मैं डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन वाला जो आइकन दिख रहा है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।